एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आप लोगों का स्वागत है आरजी स्टडी में। ठीक है, इसमें ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। मात्र आज से 10 सेकेंड में आप लोगों का आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और लड़के गलत करके चले आते हैं। गलत इसलिए करते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है करते करते। ठीक है, एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको आप कर लीजिए, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपका कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3200 रुपये में 5 किलो सेब अधिक खरीद लेता है, सेब का नया मूल्य कितना होगा? ठीक है, 3200 रुपया ही उस है उसी में 5 किलो और ज़्यादा खरीद लेता है, पहले जितना खरीदता था उससे 5 किलो ज़्यादा खरीद लेता है। ठीक, अच्छा देखिए, यदि मैं इसे लगाने के लिए कहूँ तो देखिए कैसे होगा आपका। यहाँ पे सीधे सीधे मैं 25 लिख दूंगा इधर और 3200 से गुणा कर दूंगा, अपान करके 100 × 5 कर दूंगा, तो 5 × 20 इसके बाद आ जाएगा। यहाँ पे 20 से काटेंगे 5 × 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 160। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 रुपये प्रति किलोग्राम, 160 रुपये प्रति किलोग्राम। बताइए कितना समय लगा हमको करने में, कितना समय लगा? मात्र 8 से 10 सेकेंड लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग कैसे करेंगे देखिए, इसका पहले ट्रिक देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे इसका ट्रिक ये है, दो ट्रिक है इसमें, एक नया मूल्य या तो न्यू मूल्य या तो वर्तमान मूल्य निकाला जाता है जिसे, और एक है पुराना मूल्य या तो प्रारंभिक मूल्य जिसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए नया मूल्य या तो ऐसे मूल्य में वृद्धि या कमी, यदि प्लस हो जाए तो कोई बात नहीं, माइनस हो जाए तो कोई बात नहीं, गुड़े रुपए, यहाँ पे गुड़े रहेगा, हाँ गुड़े रुपए जो दिया है, रुपए टोटल रुपए, अपान 100 गुड़े कम या अधिक खरीदी गई मात्रा, जो खरीदी गई मात्रा रहेगी उसको यहाँ लिख लेना है, खरीदी गई मात्रा। क्या करना है फिर से देख लीजिए, मूल्य में वृद्धि या कमी उसको लिख लीजिए परसेंटेज वाला, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या कमी लिख लिए, गुड़े 100 जो मतलब जो आपका पैसा दिया है उसमें उसको लिख लेना है, इसके बाद अपान 100 गुड़े खरीदी गई मूल्य, 100 गुड़े जो अधिक या कम खरीदी गई मूल्य। ठीक है, तो ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग किए थे क्या कि कितना वृद्धि हो रहा है, 25 वृद्धि हो रहा है, वृद्धि या कमी, ठीक है, जो है जो लिखना है यहाँ पे, जो हो रहा है वहीं पे वृद्धि हो रही तब भी ठीक है, कमी हो रही तब भी ठीक, वही लिख देना है। गुड़े रुपये दिया है कितना, 3200 रुपया दे दिया है ना, ठीक है 3200 रुपया जब दे दिया तो 3200 लिख लेंगे, नीचे क्या करेंगे 100 गुड़े। अब बताइए कितना अधिक या कम खरीदा गया है, 5 किलो अधिक खरीद लिया गया है तो 5 लिख देंगे। बस इसी को जितना फास्ट आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई गुणा भाग, वो आपका ऊपर है। ठीक है, यहाँ कटेंगे 4 आ जाएगा, 4 × 32 आ जाएगा 800, फिर जब भाग देंगे तो 1685 होता है, 160 आंसर आ गया, 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें दी, तो पुराना मूल्य देख लीजिए, पुराना मूल्य भी सेम टू सेम यही रहेगा फार्मूला, बस उसमें क्या रहेगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि, वही प्लस या माइनस जो कमी या वृद्धि रहेगा आपके ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद गुड़े यहाँ पे भी रुपए जो दिया रहेगा रुपए उसी को लिख लेना है, अपान करना है, अपान में क्या रहेगा वृद्धि, देखिए 100 करना है इस बार थोड़ा सा अलग है, 100 प्लस माइनस जो वृद्धि कमी हुई रहेगी, वही वृद्धि या कमी जो हम लोग 25% कर रहे हैं इसको इस बार कहाँ ले जाना है, नीचे इसमें 100 में से माइनस भी करना है, ध्यान दीजिए जब प्रारंभिक मूल्य हम लोग निकाल रहे होंगे तब। ठीक, अच्छा, और इसके बाद गुणा कर देना है जो मात्रा हमको मिली गई, खरीदी गई मात्रा अधिक या कम। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे लास्ट वाला, पहले एक और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इस वाले पर, क्या हो जाएगा इसमें, क्या पूछा है आपका, चावल का घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा वर्तमान मूल्य के लिए क्या है कि मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत कमी कितना हो रहा है आपका, वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी, 20% लिख लेंगे गुड़े 180 दिया ना, 180 लिख लेंगे यहाँ पे, रुपए है यहाँ पे 180 बराबर इज इक्वल टू 100 नीचे था प्रारंभिक मूल्य में 100 रहेगा, ध्यान दीजिए 100 गुड़े
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 किलो अधिक खरीद लेता है, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 20, 25, 100, 5, 3, 15, 15 से भाग देंगे 180 का, तो आ जाएगा 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 12 रुपया प्रति किलोग्राम। ये क्या हम लोगों का चावल का घटा हुआ मूल्य आ गया, ठीक है। आप देखिए इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कैसे होगा जो पीछे बताया, तो वो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। मूल्य में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी गुणे रुपए अपान 100 प्लस माइनस, यदि वृद्धि हुआ रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस हुआ रहेगा तो कमी हो रहा है तो माइनस करेंगे। यहाँ पे 10% की कमी हो रही है ना, तो कमी है 10 लिख देंगे, गुणे जो खरीदी गई मात्रा, खरीदी गई मात्रा, यही है देखिए फार्मूला, बस दो फार्मूला है, अगर इसको याद कर लीजिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसको लिख लीजिए। अब वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि या कमी 10, ठीक है। गुड़े रुपये कितना है, 1 रुपये है, ठीक है, 1 रुपये। अपान कितना हुआ है, यहाँ पे 100 में से 10 जाएगा तो 9, 90 गुड़े आपका, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका खरीदी गई कितना मूल्य, 50 ग्राम, ध्यान दीजिए ग्राम में है, यहाँ पे कटेगा जब 0, 0 तो आ जाएगा 1/450 ग्राम, मतलब कि 1 रुपया में 450 ग्राम पहले मिल रहा था, अब जो है आपका 50 ग्राम अधिक खरीद सकता है, अब जो है 50 ग्राम अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो शुरू में कितना था, 450 ग्राम था, अब कितना खरीद सकता है, 1 रुपये में 500 ग्राम खरीद सकता है, क्योंकि 50 ग्राम अधिक खरीद सकता है, ठीक। समझ में आया पूरी तरीके से, एक दो क्वेश्चन इस पर और प्रैक्टिस करिएगा, आराम से हो जाएगा आपका, कहीं भी नहीं रुकेगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उस चैनल से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।